بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغت العربیہ، پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر 84، الدرس الخامس عشر، 15واں سبق. تو انتی کی جمع ہے انتنا، اور کی جمع ہے کننا. یہ چیزیں ہم اس میں سیکھیں گے. ذہبت، ذہب و ذہب نہ، اس طرح کی چیزیں ہم سیکھیں گے ابھی. تو آپ اس طرح کریں، زویا صاحب آپ فتحیات بن جائیں اور جنت آپ زینب بن جائیں. شروع کر دیجیے. الفتحیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من کون؟ انتن یا اخواتو؟ آپ کون بہنیں ہیں؟ آپ سب کون ہیں اے بہنوں؟ اے بہنوں آپ سب کون ہو؟ اہدا ہمنا، ان میں سے ایک. نحنو بنات الشیخ عباس، ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. اهلا وسهلا، مرحبا، خوش آمدید. مگنا آپ کی ماں استاذہ تھی؟ میری ٹیچر ہیں جی. آپ کی امی میری ٹیچر ہیں. کیفا کیا حال ہے؟ کیفا حالها، ان کا کیا حال ہے؟ احداهن، ان میں سے ایک ہی، بخیر والحمد للہ، وہ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے. زینب اینا کہاں ہی الان، ابھی وہ کہاں ہیں؟ احداهن، ان میں سے ایک ہی الان فی الریاض، وہ ابھی ریاض میں ہیں. زینب متى کب ذهبت؟ ذهبت ذهبت کب گئی؟ احداهن ذهبت قبل اسبوع، ان میں سے ایک وہ ایک ہفتہ پہلے گئی. زینب من ذهب معها، ان کے ساتھ کون ہے، کون گیا ہے؟ احداهن ذهب معها اخونا ابراہیم، ان کے ساتھ میرا ایک ہمارا ایک بھائی ابراہیم گیا ہے. زینب کیف حالکن، ان سب کا کیا حال ہے؟ آپ سب کا کیا حال ہے؟ آپ سب کا کیا حال ہے؟ احداهن، ان میں سے ایک، نحنو بخیر والحمدللہ، ہم ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے. زینب فی ای مدرسۃ انتن، تم سب جو ہے کس مدرسے میں ہو؟ کس مدرسے میں پڑھتی ہو؟ احداهن نحن فی المدرسۃ المتوسطہ، ہم مڈل لیول میں پڑھتے ہیں، مڈل اسکول میں. متى کب اختبار کننا، تو آپ کے جو ہے وہ ایگزامس کب ہیں، ٹیسٹ کب؟ احداهن اختبارنا بعد الشهر، ہمارے ایگزامس اس مہینے کے بعد ہیں، مہینے کے بعد ہیں. زینب اذهبتن الى المدرسة اليوم، اذهبتن آپ سب جو ہے آج مدرسے جائیں گے؟ اذهبتن، کیا آپ سب آج اسکول گئیں؟
इहदाहुन्ना, नाम जी हाँ, जहबना व रजाना, हम गई और फिर हम वापस आ गए। आगे तमरीन मशकें अजीबनिल असिलतिल आतिया नीचे दिए सवालों के जवाब दें। 6 सवाल हैं, 3 3 सवाल एक दूसरे से पूछें आप लोग। मन अंतुन्ना नहनु बनातु शेख अब्बास अईना उम्मकुन्ना उम्मकुन्ना फिर रियाज। गलत। उम्मकुन्ना का मतलब है आपकी अम्मी, यहाँ भी अपने अपनी अम्मी का बताना। उम्मी मेरी अम्मी हमारी अम्मी, उम्मी का मतलब है मेरी अम्मी, आपने कहना है हमारी अम्मी, उसकी अरबी बताएं। पीछे पीछे हमारी अम्मी का क्या होगा, देख सकती मम्मी हैं, ना। पीछे आप देख सकती हैं सबक पे। तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। चलो मैं बता देता हूँ। नहनु हम नहीं, उम्मुना फिर रियादी, हमारी अम्मी रियाज में है। उम्मुना, ठीक है, जी सर। आगे। अइना बैतकुन्ना यानी हमारा घर कहाँ है। आप सबका घर कहाँ है? नहीं आप सर मुझे ग्रामर की समझ नहीं आ रही है। आप उन्ना उन्ना का मतलब होगी, उन्ना का मतलब सब औरतें हैं, आपका कुन्ना का मतलब है आप सब औरतें हैं, कुम का मतलब है आप सब मर्द, की जमा है कुन्ना, का जमा है कुम। क्या फतह का आपने पढ़ा था ना मसमू का, तो उस जो का फतह का की जमा है कुम, और काफ कसरा की जमा है कुन्ना, ठीक है। ये नोट कर लें जी किसी सर। कॉपी पे कि काफ कसरा की मसमुकी, आपका नाम क्या है मसमुकुन्ना, आप सब का नाम क्या है, आप सब औरतों का नाम क्या है, ये जो फर्क है। यानी जो का कसरा की है इसका जमा हो गया कुन्ना, जी तो का पता का इसका काम मतलब आप सब मर्द। सुआइना भाई तो भाई कुन्ना, तकुना भाई जी सर। भाई तो जवाब दें तीसरे सवाल का। तुन्ना हमारा हम सब का घर कहाँ है। घर के करीब है, हरी फिल्म मदार ओ मस्जिद के करीब है, हमारा घर मस्जिद के करीब है या स्कूल के करीब है। बैतुना तो है फिर करीबू फिल्म मिनल सर मस्जिदी, है यू ना फिल्म मस्जिद। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं बैतुना फी हयिल मस्जिदी, बैतुना फी हयिल मस्जिदी, ये भी ठीक है। अब आगे आप इनसे सवाल पूछें जन्नत। नहीं ना एक वो कुन्ना अखू कुन्ना, अकुना अखोना फिर रियाज। ना मदरसा तिकुना मदरसा तिकुना
हमारा स्कूल घर के करीब है। मदरसा करीबन फिलबैती मिनल बई थी, हमने बैना यदि में पढ़ा था ना कि दूर के लिए अन लगाते हैं और करीब के लिए मिल लगाते हैं। अذهبتنا إلى المدرسة اليوم. نعم ذهبنا ورجعنا. ठीक है जी। अगला सवाल है अनिस। अनिस का मतलब है मोनस बनाए। अनिस अल मुब्तदा, मुब्तदा को मोनस बनाए। मुब्तदा को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। फी कुल्ली मिनल जुमला तिलात, इन तमाम जुमलों का जो सब्जेक्ट है उसको मोनस बनाए। तो अंतुम तुलाब, क्या आप सब तालब तुलाब तालब इलम हैं। आ अंतुन्ना तालिबात, क्या आप सब तालिबात हैं। इस तरह हमने इनको मोनस बनाना है जी। जन्नत जोया पहले तीन आप करें, बाकी चार जोया जन्नत करेगी। अंतुम मुद्रिसून, क्या आप सब टीचर्स हैं। अंतुन्न मुदर्रिसातुन, अंतुम अत्बिया, क्या आप सब डॉक्टर हैं। अंतुन्न तबीबातुन, अंतुम इख्वतु हामिदिन, अंतुन्न इख्वातुन हामिदिन। जी जनत। मुस्लिमोना, अंतुन्ना मुस्लिमात, आ अंतुन्ना मुस्लिमात। अंतुम आमाम महमूद, आ अंतुन्ना मामातु महमूद, अमातु महमूदिन। आइन मीम अलिफ ता, अमातु महमूदिन। أنتم أبناء المدير، أنتم أبناء المدير. ठीक, बनात उल मुदीरी। आ अंतुन्ना बनात उल मुदीरी, क्या आप सब मुदीर की बेटियां हैं। जी सर। أنتم أباء الطلاب، أنتن इधर आबाओ का क्या आएगा। अबा, क्या आप सब तुलाब के अबू हैं। तो आज की जमा मोनस होगी। क्या क्या आप सब माएँ हैं स्टूडेंट्स की। माएँ की क्या अरबी होती है। सर उम्महात। आ अंतुन्ना उम्महात तुलाबी, क्या आप सब तालब इल्मों की माएँ हैं। सर एक माँ की तो उम होती है ना। जी, यहाँ पे हम ज़्यादा माँओं की बात कर रहे हैं क्योंकि सब स्टूडेंट की कलेक्टिव हम बात कर रहे हैं ना। तो हर स्टूडेंट की अम्मी को हम उम्महात कह देंगे, जमा माएँ। आपने मुझसे माँ की पूछा था ना, मैंने चले। हाउ विल अल जमीर प्रोनाउन में तब्दीली करें। फी कुल्ली मिनल जुमला लातिया कमा हुआ मुवद्दी फिल मिसाल, तमाम जुमलों में हमने प्रोनाउन की तब्दीली करनी है। जैसे कि मिसाल में उन्होंने वाजह कर दिया है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है सारा का सारा। आईना भाई तो कुम या इखवानू, ए भाइयो आप सब का घर कहाँ है। आईना भाई तो कुन्ना या अखवातुन, ए बहनों आप सब का घर कहाँ है। तो
कुम होता है तुम सब मर्दों के लिए और कुन ना तुम सब औरतों के लिए। तो पढ़े जो है सब पहले तीन। أين أخوكم يا إخوانو؟ آپ سب کے بھائی کہاں ہیں اے بھائیو؟ أين إخواتكن يا إخوات؟ أين مدرستكم يا إخوان؟ آپ سب کے टीचर कहाँ है ए भाइयो? अइन मुदर्रिसतुकुन या इख्वात? मता अख्तबारकुम या इख्वान? आप सबके एग्जाम्स कब हैं ए भाइयो? मता इख्तबारतुकुन या इख्वात? जी आगे जन्नत। अहाज़ा अम्मतुन या इख्वान? अहाज़ा अम्मतिकुन या इख्वान? अम्मकुन्ना भी ठीक है, आपी अम्मकुन्ना मतलब क्या होगा? अहाज़ा क्या अम्मकुन आप सबके चचा आई भाई आपके चचा का? आहाजा अम्मुकुम या इख्वान, ए भाइयों क्या ये आप सबका चचा है? और आहाजा अम्मकुन्ना या इख्वात, ए बहनों क्या ये सब आपका चचा है? अगर हम कहें अम्मा तुकुन्ना फिर होगा ए बहनों क्या ये सब ये आप सबकी चची है या फुपो है, इस तरह तब्दीली हो जाएगी। अभी तुम करीबन या इख्वान? क्या आपका घर करीब है आए भाइयों? अभी तुम करीबन या इख्वात? फी अय शहरिन अखबारुकुम या इख्वान? इख्तिबारुकुम इख्तिबारुकुम या इख्वान? आपके टेस्ट किस महीने में है आए भाइयो? फी अय शहरिन अखबारातिकुम ना या इख्वात? इख्तिबारुकुन्ना या इख्वान। ठीक है जी आगे चलते हैं। दा फिल्म इखबार दुकना नहीं हो सकता या इखबार रुकना होगा? इख्तिबार रुकुन्ना बा है वो लेकिन बहुत हल्का सा लिखा है, एक सिंगल मिसप्रिंट हुआ है तो इसलिए है इख्तिबार बा पाया जाता है इसमें। आगे दा फिल्म अम्मा की नल खालिया, वो कह रहे खाली जगह पे लगाएं फीमा यली जो नीचे हैं ज़मीर मुनासिब लिल मुताख मुखातिब, एक मुखातिब का मुनासिब ज़मीर लगाएं और वो कौन से हैं? अंता अंतुम अंति अंतुन्ना। अंता का मतलब है आप मर्द, अंतुम का मतलब है आप सब मर्द, अंति का मतलब है आप औरत, अंतुन्ना आप सब औरतें। तो जया साहब पहले तीन में आप लगाएं जरा। अंत मुस्लिमन क्या आप मुसलमान हैं? अंति मरीजा क्या आप बीमार हैं? अंतुन्न तबीबात क्या आप सब डॉक्टर थे? जी जन्नत। अंतुम तजार तुजार क्या आप सब जो है वो तजर हैं? आगे है अंति बिंतुल मदरिस क्या आप टीचर की जो है बेटी हैं? अंतुन्ना अखवाती अब्बास क्या ये आप बहने हैं अब्बास? नहीं नहीं आ अंतुन्ना नहीं अखो सर आंटी अरबी ठीक है सर मतलब गलत अखवाती है, अरबी ठीक है मतलब गलत है।
अंतुन्ना अख्वातु अब्बासिन। जी जो है क्या मतलब है इसका? क्या आप सब अब्बास की बहनें हैं? ठीक है जी। सब आवाज की बहने हैं तो आंतुन्ना तुलाबुन। क्या आप सब स्टूडेंट्स हैं? ठीक है जी। आगे दा फिल अमकिन खालिया फिल जुमल लातिया ज़मीर मुतसलन लिल मुखातिब। इसमें हमने पोसेसिव प्रोनाउन लगाना है, ज़मीर मुतसलन मुतसलन लिल मुखातिब, पोसेसिव प्रोनाउन लगाना है। तो लगाएं जी, जो पहले चार में आप लगाएं ज़रा। أين بيتكم يا إخوان؟ أهذا كتابك يا حامد؟ سعدك جميلة يا ليلى؟ ما من أبوكن يا أصوات؟ دي جنت سر. ما اسمك يا سيدتي؟ ما يا سيدي، ما اسمك يا سيدي؟ ممكن في البيت. أم كنا في البيت؟ أمكم في البيت؟ آ أمك في البيت، آ أمك في البيت، آ أمكم في البيت، آ أمكن في البيت. इसमें तो हम चारों के चारों लगा सकते हैं, यही बात है ना जया? जी सर। इसमें तो हम चारों ये लगा सकते हैं, का भी लगा सकते हैं, कुम भी लगा सकते हैं, की भी लगा सकते हैं, कुन्ना भी लगा सकते हैं। जी सर। आगे माइक मुकुम या इख्वान। ठीक है जी। मा अस्मा उकुम या खान। ठीक है, एक मिनट ज़रा होल्ड करें आप लोग, चलें आगे। नंबर 6 है, छठा सवाल। दा फिल अमाकिन अलखालिया फीमा यली मुनासिबन अफीमा यली दमीरन मुनासिबन लिलमुतकल्लिम नानु। आपने मुनासिब ज़मीर मुतकल्लिम लगाने हैं, वो दो आपने सीखे में। अना का मतलब है मैं और नानु का मतलब है हम। ठीक तो ये लगाएं पहले चार में जो है आप। أنا مسلمون، मैं मुसलमान हूँ। نحن مسلمون، हम सब मुसलमान हैं। أنا مسلمة، मैं मुसलमान हूँ। نحن مسلمات، हम मुसलमान होते हैं। जी जनत। सर एक मिनट। हम बनातुल मदीर, हम जो है प्रिंसिपल की बेटी हूँ। अना मुदरिस, मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ। वो मैं टीचर की बेटी हूँ या उस्ताद बेटा की हूँ मैं, टीचर का बेटा हूँ। बेटा हूँ। तुलाब, नहीं तुलाब, हम जो है वो स्टूडेंट्स हैं। अना मरीज, मैं मरीज। अगला सवाल है, इकरा वक्त तो पढ़ो लिखो। इसमें ये चीज़ बता रहे हैं कि जो कबला है और बादा, ये जो ऐसे अल्फाज हैं ये भी अपने बाद अल्फी मुजाफ होते हैं, तो ये उनमें फिर जाहिर सी बात है कसरा डाल देते हैं, कसरा या तनवीन। तो ये बस हमने याद रखना है पॉइंट आपने, जैसे ही बाकी अल्फाज की तरह। तो पढ़ें कितने जुमले हैं ये? अब 5 जुमले, दो पढ़ें जो है सब आप। ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوع. मेरे वालिद गए
काहिरा की तरफ एक हफ्ता पहले। मत्ता खरजत मिन अल फसल या मोहम्मद। मत्ता खरजत मिन अल फसल या मोहम्मद। आप कब निकले क्लास से ए मोहम्मद। खरजतु बाद अल दरसी, मैं सबक के बाद निकला। क्लास के बाहर निकला या सबक के बाहर निकला, ठीक है जी। जन्नत तो जी ذهبت إلى المسجد قبل الأذان. ذهبت إلى المسجد مسجد کی طرف قبل الأذان. أذان سے قبل ہم جو ہے میں أذان سے قبل مسجد میں گیا. ذهبت متى کب ذهب گیا امو کی آپ کی فکریت إلى الرياض يا آمنا. अम्मा आपकी फूफो जो है वो कब रियाज गए। आपके चचा सर उम्मू की, उसमें ता भी पाया जाता है जन्नत, उसमें आप नोट किया करें, जो उम्मतु की होता है वो। सर आपके चचा कब जो है रियाज की तरफ गए हैं। अम्मा राहबा गए कबल शहर शहरीन महीने, वो एक महीना कबल गए। अब दस सलाती नमाज, क्या नमाज के बाद रहता गया इलल मतम रेस्टोरेंट की तरफ। क्या जो है नमाज के बाद रेस्टोरेंट गए। ला नहीं, रहब तो नहीं गया कबल सलातो नमाज से कबल नहीं गया। नहीं, आप बाद सलाती जहाबता लमती, क्या आप नमाज के बाद गए थे। तो उसने आगे से कहा नहीं मैं पहले गया था, यानी कि नमाज से पहले चला गया था मैं। आगे चलते हैं, आगे पढ़ें जो है। अइने ज़हबता या अखी, आप कहाँ गए। एक मिनट होल्ड करें, मैं भतीजा तंग कर। जी पढ़ें आगे। अइन ज़हबत या अखी, आपके भाई कहाँ हैं। अइन ज़हबत या कि आप कहाँ गए मेरे भाई। अइन ज़हबतुम या अख़वानी, आप सब कहाँ गए ए मेरे भाइयों। जी जन्नत। अइन ज़हबती, कहाँ गई या उखती यही मेरी बहनों। आप कहाँ गए या अखवा थी ये मेरी बहन। आना मैं जहब तो मैं गया ना नो हम सब जहब ना गए। ठीक है। अल कलिमात अल जदीदा नए अल्फाज हैं, पढ़ें चार जो है सबा। قبل پہلے بعد بعد میں کیف کیسے متى کب جی جنت الاسبوع فقط الشهر محينه على ظن اذان الصلاه نماز رجع جلدی لوٹ آیا رجع لوٹ آیا اور رجعت لوٹ آئی ठीक है। यानी कि रजा वो लौट आया, रजा तू और रजा आत वो लौट आई, रजा तू मैं लौट आया। आगे आज जमायल और मुनफसिल आज सेपरेट प्रोनाउंस पढ़े आते जो है साहब, तीन लाइनें पढ़े आप। नहीं, वो मैं लौट आई इसका क्या होगा। रजा तू मैं लौट आई, और इसका ये भी मतलब है मैं लौट आया, इस एक का दोनों मतलब है। मर्द भी ये कहेगा रजा अतु मैं लौट आया, और औरत भी ये कहेगी रजा अतु मैं लौट आई। ठीक जी, जो पढ़े आगे।
वह तालिबुन वो स्टूडेंट है, हम तुलाबुन वो सब स्टूडेंट्स हैं, ये तालिबा ये स्टूडेंट है, हुन्न तालिबात वो सब स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट्स हैं, अंत तालिबुन आप स्टूडेंट हैं, अंतुम तुलाबुन आप सब स्टूडेंट्स हैं। जन्नत अंति तालिबुन आप जो है फीमेल स्टूडेंट हैं, अंतुन्ना तालिबातुन आप जो है सब फीमेल स्टूडेंट्स हैं, अना तालिबुन मैं स्टूडेंट हूँ, नहनु तुलाबुन हम जो है फीमेल नहनु तुलाबुन हम स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट हैं, अना तालिबातुन मैं जो है फीमेल स्टूडेंट हूँ, नहनु हम तालिबातुन हम फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी, आगे नया सबक है, इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे।